कोटा के जो लोकल मुद्दे हैं, जिस तरह से गरड़िया महादेव में वसूली की जाती है वन भूमि क्षेत्र का नाम लेकर, दूसरी तरह से जिस तरह से सोमेश्वर महादेव में पार्किंग के नाम पे वसूली की जाती है, दर्शन करने के लिए भी आपको पहले पार्किंग का शुल्क चुकाना होगा। सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे वो चार्ज नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं कि हम उनका पर्ची नहीं काटेंगे, लेकिन पार्किंग के नाम पे लगातार वसूली जारी है। आपातकाल की स्थिति में भी वसूली की जाती है पार्किंग की। इन पार्किंगों को बिल्कुल खत्म करना होगा, ये हमारा मुद्दा है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हाड़ोती में जितना भी क्षेत्र है, वहाँ पे जितने भी तीर्थ क्षेत्र है, इनका एक सर्किट बनाया जाएगा, इनके लिए अलग से फंड को अलोकेशन किया जाएगा। यहाँ पे मठ मंदिरों के जो महंत है और पुजारी हैं, उन पे लगातार हमले हो रहे हैं और उनकी हमारे पास रिपोर्ट है कि उन्होंने कई बार इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन उनको पूरी तरह से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। हम पूरी तरह से एक सुरक्षा दल का निर्माण करेंगे और उनकी सुरक्षा और भक्तजनों की सुरक्षा भी हम सुनिश्चित करेंगे। हम यहाँ पे कोटा के अंदर जिस तरह से केशवराय पाटन की जो मिल है उसको चालू करेंगे, शुगर मिल को, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्टर्स का मैं ये चाहता हूँ कि हम ट्रांसपोर्ट को एक तरह का व्यापार घोषित करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे नंबर दो का जो दूसरा नंबर का जो पूरा क्रियाकलाप है वो ट्रांसपोर्टर संभालते हैं, लेकिन उनको अभी तक भी व्यापार का दर्जा हासिल नहीं है। वो जोखिम इतना उठाते हैं लेकिन उनको न्याय के रूप में नहीं दिया जाता। कोई भी पार्टी आए वो केवल उनको और उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। यही सौतेला व्यवहार सनातनियों के साथ भी हो रहा है। आज सनातन समाज दुएम दर्जे के तो बात छोटी रह गई, आठवें नवे दर्जे तक पहुंच चुका है। हमको हमारी शिक्षण व्यवस्था खुद से कार्यकलाप नहीं करने दिया जाता। 4.5 लाख से ज्यादा मंदिर सरकारों के अंदर में, उनके नियंत्रण में सारा का सारा पैसा वो खा जाते हैं। इस तरह की चीजों से, विकसित संगतियों से पूरी तरह से अगर अपने को पार पाना है तो एकम सनातन भारत दल को यहां से जिताएं और सनातन की आवाज संसद में बुलंद करें, क्योंकि ये मुद्दे संसद में उठने वाले हैं और जब तक ये मुद्दे संसद में नहीं उठेंगे आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। सीधी सी बात है, हमको बिल्कुल किसी एक पार्टी और सबसे ऊपर उठ के हमारे मुद्दों को सबसे पहले देखना है। हमारे जो सनातन के मुद्दे हैं वो सर्वोपरि होने चाहिए और उन्हीं के लिए हमको कृत संकल्पित होकर जो हमसे बन पड़े वो हमें करना चाहिए। जय श्री राम।